मैं उतेश, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जब को ले चलता हूँ बारसूर, यहाँ आपको काफ़ी सारे देवी देवताओं की मूर्ति है और मंदिर है आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें आज मैं आपको लेके चलूँगा। बारसूर की गणेश मंदिर है, मामा भाचा मंदिर है, दंतेश्वरी मौली माता मंदिर है, चंद्रादित्य मंदिर है, इन चारों जगहों पर ले कर चलूँगा। और अभी हम हैं बारसूर पर, और बारसूर को तालाबों की नगरी है कहा जाता है। आज भी यहाँ पर कुछ कुछ तालाब आपको देखने को मिलेंगे, और अभी मैं आपको ले चलता हूँ बारसूर की गणेश मूर्ति है दिखाने के लिए। पूरे बस्तर अंचल में गणेश जी को काफ़ी माना जाता है, उनका जो उत्सव है काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है पूरे बस्तर अंचल में, दंतेवाड़ा जिले में। और यहाँ उनकी काफ़ी सारी प्रतिमा भी आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे आपको नोटिस बोर्ड है देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ बगल पे आपको बारसूर की गणेश मूर्ति से काफ़ी सारी जुड़ी जानकारियाँ हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और अभी मैं आपको ले कर चलूँगा बारसूर की जो गणेश मूर्ति है वहाँ की ओर। सामने आपको बारसूर की गणेश मूर्ति आपको दिखाई देगी, जिसको चारों तरफ से घेर के सुरक्षित है रखा गया, ताकि कोई भी व्यक्ति है इसको किसी भी तरह के क्षति है नुकसान है ना पहुंचा सके। तो सामने आपको दिखाई देगी बारसूर की गणेश मूर्ति, जहां आपको दो गणेश प्रतिमाएं आपको दिखाई देगी जो बालू के चट्टानों से बनाई गई है। एक मूर्ति आपको काफ़ी बड़ी दिखाई देगी और एक मूर्ति है थोड़ा सा छोटी है दिखाई देगी। और इस साइड आपको कुछ कुछ चीज़ें आपको दिखाई देगी। बारसूर मंदिर में आसपास की जो जगह है उनको देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पे काफ़ी साल पहले यहाँ पे खुदाई वगैरह की गई थी, क्योंकि आसपास आपको काफ़ी सारे पत्थर आपको देखने को मिलेंगे, जिनको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे खुदाई के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिली हुई है, ऐसा दिखने से प्रतीत होता है। बट एक्चुअल क्या है मुझे भी जानकारी वगैरह नहीं है, क्योंकि आसपास आपको काफ़ी सारे पत्थर आपको देखने को मिलेंगे जिनको देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पे खुदाई वगैरह की गई थी। और यह जो मंदिर है का चारों तरफ से घिर के सुरक्षित और संरक्षित है रखा गया, ताकि किसी तरह के नुकसान है लोगों के द्वारा ना पहुंचाया जाए। इस साइड आपको काफ़ी सारे पत्थर है आपको देखने को मिलेंगे। आपको ले चलता हूं बारसूर की मामा भांजा मंदिर, जहां की कहानी काफ़ी अनोखी है। और अभी हम पहुंच चुके हैं बारसूर की मामा भांजा मंदिर, जो कि बारसूर की जो गणेश मंदिर है जस्ट वहाँ से थोड़ी दूरी पर लगा हुआ है। और इस साइड आपको यहाँ की नोटिस बोर्ड है, यहाँ से जुड़ी जानकारी है देखने को मिलेगी। और यहाँ की कहानी काफ़ी अनोखी है। कहा जाता है कि यह जो मंदिर है एक दिन में तैयार किया गया था, और यह जो मंदिर है मामा भांजा के द्वारा एक दिन में तैयार किया गया था। और यहाँ आपको गणेश जी की प्रतिमा है मंदिर के अंदर है, गर्भगृह में आपको देखने को मिलेगी। मंदिर के गर्भगृह में आपको गणेश जी की प्रतिमा के साथ साथ एक और प्रतिमा है आपको देखने को मिलेगी। और मंदिर है बाहर से देखने में आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यह जो मंदिर है करीब करीब 11वीं सदी के आसपास है, काफ़ी पुराना मंदिर है। और यह जो मंदिर है एक ही दिन में तैयार किया गया था मामा भांजे के द्वारा। और मंदिर काफ़ी पुराना होने के बावजूद यहाँ पे आपको दीवारों पे काफ़ी सुंदर डिज़ाइनें वगैरह है देखने को मिलेगी। यह जो मंदिर है आज भी काफ़ी सुंदर, काफ़ी आकर्षक और काफ़ी हद तक है सुरक्षित है। और मंदिर के अगल बगल पे आपको एक सुंदर सा गार्डन टाइप का आपको देखने को मिलेगा। और मंदिर है आपको ऊपर से नीचे तक आपको कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और अभी मैं आपको ले चलता हूँ दंतेश्वरी मौली माता मंदिर की ओर। और यहाँ पे आपको कुछ यहाँ के लोकल लोग हैं देखने को मिलेंगे, जो मुर्गे की लड़ाई होती है उनके लिए ये मुर्गी है लेके जा रहे हैं। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ दंतेश्वरी मौली माता मंदिर की ओर। अभी हम पहुँच चुके हैं दंतेश्वरी मौली माता के मंदिर पे। सामने आपको दंतेश्वरी मौली माता की मंदिर है, और यहाँ पर आपको यहाँ से जुड़ी जानकारी है आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको कुछ नोटिस बोर्ड भी आपको देखने को मिलेंगे, जो आप पढ़ सकते हैं। और अभी मैं आपको अंदर की ओर है लेके चलता हूँ दंतेश्वरी मौली माता मंदिर की ओर। तो ये है दंतेश्वरी मौली माता का मंदिर, जो दिखने में काफ़ी सुंदर और काफ़ी आकर्षक है, क्योंकि बाहर से दिखने में आपको एक सुंदर सा छोटा सा घर जैसा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इनकी जो छज्जा है खपरेल के बनाया गया है। और अंदर से दिखने में इनका जो पटा होता है, छज्जा होता है, वो लकड़ियों के बनाया गया है। और सामने आपको तीन मंदिर है आपको दिखाई देंगे, मुख्य मंदिर बीच पे आपको दंतेश्वरी माता जी है आपको देखने को मिलेंगे, और अगल बगल पे दो और मंदिर है जिन पे आपको कुछ कुछ मूर्तियां आपको देखने को मिलेगी। तो ये थी दंतेश्वरी मौली माता का मंदिर, जिसके अभी हमने दर्शन कर लिया। और अभी मैं आपको ले चलता हूँ चंद्रादित्य मंदिर की ओर, जो यहाँ से जस्ट थोड़ी दूरी पे है। और अभी हम पहुँच चुके हैं चंद्रादित्य मंदिर, जो बारसूर में ही है। और यहाँ आपको काफ़ी सारे तालाब है आपको देखने को मिलेंगे। वैसे तो बारसूर को तालाबों की नगरी है कहा जाता है, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे तालाब है आपको देखने को मिलेंगे। और सामने आपको नोटिस बोर्ड भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको यहाँ से जुड़ी जानकारी वगैरह यहाँ पर आपको साफ साफ आपको पढ़ने और देखने को मिल जाएगी।
और सामने आपको मंदिर आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ यहाँ पे आसपास आपको काफ़ी सारे तालाब है आपको देखने को मिलेगा। और अभी मैं आपको ले चलता हूँ मंदिर की ओर, अंदर की ओर। और अभी हमें चंद्रादित्य मंदिर पे, मंदिर आपको अंदर से कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। सामने आपको नंदी महाराजा दिखाई देंगे और नंदी महाराज के जस्ट सामने आपको एक शिवलिंग की प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। और मंदिर बाहर से आपको कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और मंदिर के दीवारों पर आपको भोरम देव की तरह, नारायणपुर की तरह काफ़ी सारे कुछ कुछ मूर्तिकला है, चित्रकला है आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।